चलिए अगला क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू कॉज, चलो सुन के बताओ तो देखते हैं माइंड कितना वर्क कर रहा है, सुनिए तो एक ही बार बोलूंगा, द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू कॉज रोटेशन अबाउट सम पॉइंट इज नोन एज अ मोमेंट। अब मैं लिख देता हूं, नहीं अभी तक आंसर सोचो बताओ, अबाउट सम पॉइंट इज नोन एज। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को डिकोड कैसे करते हैं, एज नोन एज मोमेंट बोला, ठीक, तो ये पूरा का पूरा एक तरह से डेफिनेशन है मोमेंट का, क्या है अब बताइए मोमेंट क्या होता है, थोड़ा सा भूल गए होगे, कोई बात नहीं कॉपी में देखो, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास इनटू, देखो ध्यान से गधे, मास इनटू मोमेंट को फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये तो बोलने लायक है लेकिन आप रियलाइज करो क्या फोर्स कहां फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसे होता क्या है, अगर हम कुछ फोर्स कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगाए तो क्या होगा, लेकिन वो कह रहा है अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ मतलब एक पॉइंट तो फिक्स होगा उसका, ये है पॉइंट फिक्स, इसके ऊपर फोर्स लगाया, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस है कि नहीं है, है, अब फोर्स लगा दी, बॉडी क्या करने लगी, रोटेट करने लगी, तो क्या मोमेंट का यही डेफिनेशन है कि नहीं है, वो भी तो यही कह रहा था कि रोटेशन होगा, हाँ हो रहा है, फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है, उसी को तो मोमेंट कहते हैं, मैंने बोलता ट्रू है, बोल दिया फॉल्स है, हाँ तो ये कुएं में जाए तो भी कुएं में चले जाना है, तो समझे मतलब, बताया ना सर वो जिस दिन पहली क्लास ली थी आपने, वो बोलने वाले एग्जांपल दिया, हाँ कितना जगह ये सब सीसॉ में भी बोला था, हाँ। कि हल्का सा वहां भी मूवमेंट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जब भी कभी इतना लेंथी सवाल आ जाए इस तरह से ब्रेक करो, जैसे आ जाए नोन एज, अच्छा ये मतलब मूवमेंट कहना चाह रहा है, मूवमेंट अपने दिमाग में सोचो क्या होता है, क्या वही सारी बातें फुलफिल हो रही है, ऐसे आपका माइंड ऐसे वर्क करना चाहिए, अच्छा क्या सवाल पूछा है, मोमेंट के ऊपर आपका माइंड कैसे वर्क करता है, देखो जैसे एक हम सब वो एक गाना मैंने सुना था, उसमें बोलता है चेक चेक, जैसे कार चेक, गर्लफ्रेंड चेक, पैसा चेक, ऐसा कुछ है गाना, तो जैसे मोमेंट पूछ रहा है, मोमेंट में मुझे क्या पता है कि एक फोर्स चाहिए, चेक है कि नहीं, फोर्स मुझे क्या चाहिए, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, है कि नहीं, एक डिस्टेंस, एक सम पॉइंट, ये अलग लैंग्वेज है, चेक, अब हमें ये पॉइंट वाला भी कर लेते हैं, सम पॉइंट, तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, चेक, और रोटेशन ये क्रिएट करेगा, ये भी क्या हो गया, चेक, तो इतनी सारी चीजें मिल गई, यस ये मोमेंट है, शत प्रतिशत ये मोमेंट है, क्या है, कोई मिलावट नहीं है इसके अंदर, चलो सब बताऊंगा, कपल है, टॉर्क है, सब मैं थोड़ा सा बताऊंगा, टॉर्क सोच रहा था मैं, टॉर्क भी एक मस्त का चीज है, वो भी वो क्या होता है, टॉर्शन, वो सब सिखाऊंगा कि वो क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है टॉर्क और मोमेंट में, जब आप इसको ऐसे फिक्स कर लिया, क्या कर लिया, और इसको जबरदस्ती आप घुमाना चाह रहे हो, जैसे ये तो घूम नहीं रहा, कोई इफेक्ट नहीं पता चल रहा होगा, जैसे ये केवल खराब ना हो जाए बस, जैसे ये है, अगर आप इसके ऊपर फोर्स देके ऐसे कर रहे हो तो ये क्या हो गया, अभी रोटेशन में, क्या है, लेकिन अगर आप इसको एक्सिस के अबाउट इसे मरोड़ना चाह रहे हो तो ये क्या हो गया, टॉर्शन, टॉर्क, समझे, उसके बाद भी होता है कपल, कपल क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे देखेंगे, तो अभी हम कहां थे, ये हो गया कंप्लीट, अगला एक और क्वेश्चन करें, बताओ मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, कि जो पढ़ा था और उसी को देखो कितने हम वेरीफाई कर रहे हैं, मजा आ रहा है अभी तक, चलो एक और क्वेश्चन करो, मास कैन बी मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, हम किसी का मास जो है क्या एक स्प्रिंग बैलेंस डिवाइस होती है उससे मेजर कर सकते हैं क्या, मास कैन बी
मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। ऐसे हुक लगा के नेट पे देखोगे, अरे हम सब अरे कूड़े कबाड़ी वाले, हाँ चेन से कर रखा होता है। एकदम सही बोल रहा है, छोटा सा ऐसे डिवाइस होता है, ऐसे पकड़ने वाला थे होल्डर होगा, डिवाइस होगा ऐसे, तो उससे उतना तो नहीं, थोड़ा सा उसमें स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा ना, मशीन उससे कैलकुलेट कर लेते कितना फोर्स नीचे लगा होगा, और फोर्स से पता चल जाता है कि उसका वो वेट क्या है। तो क्या हम स्प्रिंग बैलेंस से मास मेजर कर सकते हैं? डायरेक्टली नहीं, पर उसको अगर कैसे सर उसमें से फोर्स और ग्रेविटेशन कांस्टेंट रिमूव करके, तो नहीं कर सकते ना डायरेक्ट, कर सकते हैं वो, सब तो कैलकुलेशन बाद की बात है, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? मास मेजर नहीं करते हैं, है ना, वेट समझ रहे हो ना, ग्रेविटी के टर्म्स में जब हम फोर्स को मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगा पूरी तरह से गलत। समझ में आया दिक्कत कहाँ आया? मैं फोर्स लिख देता हूं, फॉल्स, ये क्या है? अरे यार फॉल्स, गलती कहां की हमने? यहां पर मास नहीं, यहां क्या होना चाहिए? वेट। तो मैं लिख देता हूं, वैसे वेट तो मेजर कर सकते हैं, तो आपको गलत भी पता है और क्यों गलत है वो भी पता है और सही क्या है वो भी पता है। हम हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 24, चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये मौका दूंगा कॉपी में खुद को लिखने का। वेट रेजिस्ट्स मोशन इन द बॉडी, वेट रेजिस्ट्स मोशन इन अ बॉडी, वही वाली बात हो गई। वेट क्या है? अगर बॉडी मोशन हो रहा है तो उसको रेजिस्ट करने में क्या वेट का कोई रोल है? रेजिस्ट का मतलब रोकने में। हाँ, रोकने में। वेट में फोर्स लगता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ। सर फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी मोशन हो रही है तो उसको कौन कौन रोकता है? सर फ्रिक्शन। हाँ, ग्रेविटी। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ग्रेविटी सब तो हर जगह लग रहा है, सब मेन बॉडी को फ्रिक्शन रोकता है, तभी तो हम खड़े हैं, क्योंकि मैं कभी ग्रेविटी कोई बात नहीं करता, हर कोई किसकी बात करता है कि रुके हुए तो फ्रिक्शन है, चल रहे हैं तो भी फ्रिक्शन है, तो यहां पर कह रहा है कि नहीं वेट रोकता है मोशन को, वेट थोड़ी रोकता है, कौन रोकता है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। आप खुद ही समझ पा रहे हो आप चीजों को। अब सही आंसर क्या होगा? सही आंसर फ्रिक्शन होता है, इसको मैं एक्सप्लेनेशन में डाल देता हूं, फ्रिक्शन बॉडी के मोशन को रेजिस्ट करता है। अरे यार फोर्स बार बार याद आ जाता है, फ्रिक्शन। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, आप सबों का पहला चैप्टर का थ्योरी पार्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट कंप्लीट होता है, और इसके बाद आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? ऐप के ऊपर। अब ऐप में क्या होता है, जैसे देखो ये बहुत बेसिक चैप्टर है, इससे कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं, जब भी क्वेश्चन बनते हैं एक दो चैप्टर को थोड़ा सा मिक्स करके बनते हैं, जब मैं फोर्स भी पढ़ा दूंगा इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वालिटी क्वेश्चन होंगे। अभी ये क्या है बच्चे, जैसे ये सवाल आएंगे नहीं आपको एग्जाम में, इसे एक दो आएंगे क्योंकि एग्जाम में दो तीन चैप्टर को मिक्स जो सवाल आते हैं वो आते हैं, ठीक है? तो जब फोर्स पढ़ा दूंगा उसके बाद देखना आपका अचानक से क्या है, क्वेश्चन की क्वालिटी और इंप्रूव हो जाएगी, और ऐप पर आपको फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले। अभी जो ऐप पर जाएंगे हो सकता है आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ना बने, तो कोई बात नहीं, आगे चल के बन जाएंगे, लेकिन ऐप पर डलने लगेंगे, ठीक? तो पहला चैप्टर का कैसा रहा बताओ, ठीक है? अब हम सब क्या शुरू करेंगे, दूसरा चैप्टर, दैट इज फोर्स। थैंक यू।